दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हमने ये दो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को राशन की बेनिफिट लेनी है, यानी कि राशन कार्ड की बेनिफिट लेना है, तो उस राशन कार्ड को आप लोगों को EKYC करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हमारी इस बातों पर कोई कोई भाई ने ध्यान दिया और कोई कोई भाई ने अमल ही नहीं किया। लेकिन दोस्तों, उसी से रिलेटेड मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो लोग भाई वीडियो पर नए हैं, लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कोटेदार और राशन कार्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप लोगों को बता दूँ कि सरकार की गाइडलाइन जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि हम 31 तारीख तक आपको लोगों को डेट देते हैं कि अगर आप लोग 31 मई तक अपने राशन कार्ड को EKYC नहीं किया है तो करा ले, अन्यथा आप लोगों के राशन कार्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, खुशी वाली बात यह है कि उस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर डेट बढ़ा तो कब तक बढ़ा, कब तक हम लोग EKYC कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग अपने राशन कार्ड को अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उस डेट को बढ़ाते हुए अब 15 जून तक उस डेट को कर दिया है। यानी कि अगर आप लोगों ने अभी तक EKYC नहीं किया है तो अब आप लोगों के पास समय है कि आप लोग 15 जून तक अपने राशन कार्ड को EKYC कर लें, और जो रेगुलर मिलता था आप लोगों को राशन कार्ड का लाभ, वो हमेशा मिलता रहे। तो मैं यही चाहूँगा दोस्तों अंततः आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अपने राशन कार्ड को EKYC नहीं किया तो उसको EKYC कर लें, ताकि आप लोगों को अनलिमिटेड इस राशन कार्ड का बेनिफिट मिलता रहे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिन्होंने अभी तक अभी नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।